सुप्रभात। आज हम करवाने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता, जैसे किसी के नाम की विशेषता, राधा सुंदर है, राधा ने लाल चूड़ियां पहनी है, मोहन पतला है, तो ये जो पहला शब्द आया वो संज्ञा। हम यदि संज्ञा को किसी और नाम से पुकारें तो वो सर्वनाम कहलाता है। राधा सुंदर है, उसने लाल चूड़ियां पहनी है, तो पहले शब्द में राधा संज्ञा और दूसरे शब्द में उसने लाल चूड़ियां पहनी है, तो हमने राधा को सर्वनाम बताया और उसकी विशेषता थी कि उसने लाल चूड़ियां पहनी है। तो इस प्रकार हम विशेषता कह सकते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण जो गुणों के बारे में बताए, गुण, दशा, स्थिति, आकार, दशा, ये सब आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विशेषता अच्छी बातों की ही होती है। घोड़ा काला है तो काला उसकी विशेषता है, वह शरारती है तो शरारती उसकी विशेषता है। तो गुणों के अंदर अच्छी बातें, बुरी बातें, जो भी उनकी विशेषता है, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है संख्यावाचक। जब संख्या की विशेषता बताई जाए, आपके पास एक पेन है, आपके पास दो पेन है, तीन पेन है, आपके पास कितने पेन है, दो, तो ये आपकी विशेषता है कि आप दो पेन रखते हो, आपके पास दो पेन है। अब संख्यावाचक को भी दो भागों में डिवाइड किया है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित वह जब संख्या आपके पास निश्चित हो। मेरे पास एक पेन है तो आप कहोगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, आप कहोगे मेरे पास कुछ पेन है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब आप किसी चीज के लिए श्योर हो तो निश्चित लगाना है, जब आप श्योर नहीं हो तो अनिश्चित लगाना है। लेकिन हम संख्यावाचक वही है जिसको हम अपने फिंगर पे और जिसको हम किसी भी तरीके से पढ़े काउंट कर सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषता वह गुण विशेषण वह है जिसमें हम मात्रा की विशेषता बताते हैं। मात्रा जैसे नाप तोल, सेंटीमीटर, लीटर, किलोमीटर आदि। जैसे मैंने 2 किलो सेब खरीदे, 2 किलो सेब गिन भी सकते हैं, लेकिन हमने उसकी मात्रा बताई कि हमने 2 किलो सेब खरीदे, तो 2 किलो सेब निश्चित परिमाणवाचक। मैंने कुछ सेब खरीदे, अनिश्चित परिमाणवाचक। जब भी तोल मोल की चीजों की बात आ जाती है वहां पे परिमाणवाचक, ये भी संख्यावाचक की तरह निश्चित और अनिश्चित ही देखे जाते हैं। उसके बाद आता है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। सांकेतिक होता है जब हम किसी चीज की संकेत की ओर करके उसकी विशेषता बताते हैं। वो मेरा घर है, मेरा घर है, लेकिन मैंने कहा वो मेरा घर है, तो मेरे घर की विशेषता है कि वो ही मेरा घर है। यह मेरा पेन है, मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। जब मैंने संकेत करके उसकी विशेषता को बताया तो वो सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहलाया। यह वही कमीज है जो आपने कल पहनी थी, यानी कि कमीज की विशेषता बताई गई है कि यह वही जो कल पहनी थी। सार्वनामिक विशेषण वह होता है जिसमें सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। अभी मैंने आपको संकेतिक के बारे में बताया, सार्वनामिक वो मेरा पेन है, तो मेरा को क्या कहा, यह है मेरा पेन है। वो मेरा घर है, मेरा घर है, मैंने घर को कहा वो मेरा घर है। जब मैंने उसको सर्वनाम शब्द दे दिया तो वो सार्वनामिक विशेषता कहलाई। इन सब विशेषण को पहचानने के लिए, कई बच्चे पहचान नहीं पाते तो हम कैसे या कितना लगा करके प्रश्न पूछते हैं। जब हमें प्रश्न की प्राप्ति हो जाती है तो हमें पता चल जाता है वो विशेषण है। यह पेन कैसा है, यह पेन नीला है। कैसा है, कैसा करने पर नीला उत्तर आया, तो ये उसकी विशेषता हुई। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आप गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सांकेतिक या सर्वनाम विशेषण के उदाहरण लिखेंगे। अभी आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जिसमें आप अपने आंसर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम कुछ और विषय के साथ प्रस्तुत होंगे।